गाइस, सो वेलकम टू द अनदर व्लॉग ऑफ माय चैनल। अनदर तो नहीं कह सकते हैं, मतलब इसके पहले तो मैंने व्लॉग डाला था गणपति विसर्जन वाला, वो मेरे से गलती से डिलीट हो गया था। तो आप लोगों के लिए तो फर्स्ट व्लॉग ही समझ सकते हो, चैनल का फर्स्ट व्लॉग है ये। तो आज के व्लॉग में हम करने वाले हैं 100 rupees in 24 hours चैलेंज। तो इसमें 5 meals होंगे, ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक्स, डिनर और डिजर्ट। तो ये सारे मील्स मेरे को 100 rupees में कंप्लीट करने हैं, और जिस भी शॉप पे जाके मैं खरीदूंगा या मतलब वहाँ जाके खाऊंगा या घर लेके आऊँगा जो भी, तो जितने भी चेंजेस मेरे को देगा या जितने भी मैं उसको पैसे तो 100 rupees एक ही नोट होगा, एक जगह जाऊँगा तो वो चेंज हो जाएंगे। तो जितने मैं पैसे दूंगा सब मेरे को रिकॉर्ड करना है। तो अब मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्योंकि अभी तो हो चुकी है 2:20, अभी हो रही है दिन की 2:20, और मैं सुबह स्कूल चला गया था। तो अभी मैंने सुबह ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, तो ब्रेकफास्ट प्लस लंच ब्रंच करने वाले हैं हम। कहाँ जा रहा हूँ मैं दिखाता हूँ आपको। हे गाइस, सो मैं पहुँच चुका हूँ मतलब ब्रंच करने के लिए। ब्रंच का पहला आइटम जो है हमारा, तो मैं आया हूँ सूरजपुर लाला कचौड़ी वाले का। तो मैं कचौड़ी तो नहीं खाऊँगा, तो समोसा खाऊँगा। तो चलो दिखाता हूँ आपको शॉप भी, और मैं खाता भी हूँ दिखाता हूँ। समोसा कितने का भैया? हाँ एक दे दो, होते ही तो होगा तो आपको बताएंगे। चटनी वाला कितने का? सादा ही दे दो। उसमें चला था बहुत जोर शोर से, पर वो वापस ठंडा हो गया। तो गाइस, मैं समोसा लेके तो आ चुका हूँ। ये 10 rupees का बड़ा मेरे को, तो अब मेरे पास बचे 90 rupees। ये मतलब मेरा ब्रेकफास्ट समझ सकते हो आप लोग। मैं समोसा दिखाता हूँ आप लोगों को। समोसा है ये, मतलब 10 rupees का पड़ा है यहाँ पे, मतलब फेमस है काफ़ी ये लाला कचौड़ी वाला यहाँ पे सूरज पोल में। ये फीलिंग है इसके अंदर की, मतलब हाँ काफ़ी मसालेदार लग रही है, फीलिंग तो काफ़ी अच्छी है, मतलब पूरा फिल्ड समोसा। चलो मैं आपको इसको टेस्ट करके बता दूँ। तो मैं समोसा खा के देखता हूँ। टेस्ट काफ़ी बढ़िया है, मसालेदार है, बल्कि तीखा नहीं है, और उसमें हींग विंग का स्वाद काफ़ी अच्छा आ रहा है। आलू का मसाला ये फीलिंग अच्छी लगी है काफ़ी। तो ये तो मेरा हो गया ब्रेकफास्ट, अब लंच बचा। तो लंच में करने जाऊँगा छोले भटूरे खाने जाऊँगा, तो मैं वहाँ की भी दिखाता हूँ आप लोगों को। तो अभी मैं इसको फिनिश करता हूँ, फिर आपको लंच के टाइम पर मिलते हैं छोले भटूरे वाले। पहुँच चुका हूँ छोले भटूरे खाने वाली, छोले भटूरे खाएंगे वाली मतलब दुकान पर, शॉप पर। तो चलो आप लोगों को लेके चलता हूँ, एक छोले भटूरे की प्लेट लेते हैं, और आज का चैलेंज दिन में समाप्त करते हैं, फिर शाम को मिलते हैं आप लोगों से वापस। भैया छोले भटूरे कितने के? लो एक प्लेट कर दो। यहीं खाना है, यहीं खाना है। तो गाइस ये है प्लेट, तो इसमें अभी तो एक भटूरा मिला है, एक और आएगा, और ये है छोले। इसकी थिकनेस तो सही लग रही है, प्याज मिलेंगे आपको थोड़े से, और ये चार है। ठीक है, तो अब मैं इसको टेस्ट करके बताता हूँ। छोले भटूरे खा के तो निकल चुका हूँ, क्योंकि वो जो 10 मैंने 50 rupees का नोट दिया था, तो 10 rupees उन्होंने दे दिए वापस। तो मैं आप लोगों को शाम को ही मिलूंगा स्नैक्स के टाइम पे, क्योंकि अभी तो मेरी कोचिंग है, तो कोचिंग के बाद में। अभी हो रहा है शाम की 7:32 का टाइम हो रहा है, तो स्नैक टाइम बोल सकते हैं इसको। तो अभी हम चलेंगे स्नैक खाने, और अपना डिनर भी पैक करा के आएंगे, डिज़र्ट भी। तो चलते हैं। मैं अभी आ चुका हूँ अपना डिनर पैक कराने के लिए यहाँ पे बाबू बाज़ार में, सावालिया दाबेली वाले के यहाँ। तो मैं अभी फिर यहाँ से 30 rupees का बर्गर मिलता है, यहाँ पे 30 rupees का बर्गर मिलता है, तो मैं वो पैक कराऊँगा घर के लिए, मतलब घर जाके डिनर करूँगा और स्नैक्स इसके बाद दिखाऊँगा। भैया बर्गर कितने का? हाँ 30 का एक पैक कर दो। ये बर्गर पैक करा लिया है घर के लिए, तो ये अब मैं घर जाके खाऊंगा। तो अभी मैं पहुंच गया हूँ अभी स्नैक्स खाने के लिए, तो पता
स्मैश वाली शॉप है, मैं दिखाता हूँ आपको, और भैया से रेट पूछ के फ्लेवर वाली शॉप है मेनली, यहाँ 5 फ्लेवर मिलते हैं। ये भैया की शॉप है तो चलते हैं, पूछते हैं भैया से रेट। भैया क्या प्राइस है? 10 के 5। 10 के 5 ये पाँचों फ्लेवर? चलो ठीक है, खिलाओ एक प्लेट। क्या दे दो भैया? बहुत बढ़िया था, मतलब मैं भैया का रेगुलर कस्टमर हूँ लगभग, तो बहुत बहुत अच्छा डिश है भैया का। तो अब मैं डिज़र्ट पैक कराता हूँ, डिनर मैंने पैक करा दिया, डिज़र्ट पैक कराता हूँ, तो फिर अब मिलते हैं आपको सीधा घर पे डिनर के टाइम। अभी मैं पहुँच गया हूँ डिज़र्ट लेने के लिए, और अभी लॉकडाउन चालू होने वाला है, तो देखते हैं 10 रुपये में मेरे को क्या डिज़र्ट है। आखिरी 10 रुपये है मेरे पास। वो रही शॉप मीठे की, आ गया चल के देखते हैं। जलेबियाँ तो पैक करा ली है 10 रुपये की, तो अब मैं घर चलता हूँ, फिर मिलते हैं आप लोगों को। अभी टाइम हो रहा है, अभी बज रहे हैं रात के 9, तो मैं डिनर जल्दी फिक्स ना हो रहे हैं अभी, तो मैं डिनर जल्दी कर लेता हूँ। तो मैंने दिखाया था जैसे मैंने पैक कराया था बर्गर, तो मैं अभी आपको उसकी क्लोज लुक दिखाता हूँ, फिर टेस्ट करके बताऊँगा। तो गाइज ये है बर्गर, कुछ इस टाइप की पैकिंग में आया है ये, तो मिल लेते हैं। तो ये बर्गर है नीचे प्लेट, तो ये है बर्गर मेनली, 30 रुपये का पड़ा है ये बोतल अभी, तो ये मैं खोल नहीं सकता इसको बहुत, क्योंकि मेयोनीज़ और एकदम क्वांटिटी एकदम बहुत बढ़िया भर के देते हैं। तो गाइस अभी मैं आपको ये बर्गर टेस्ट करके बताता हूँ, ये रहा बर्गर मेरा, और इसके साथ ये हरी चटनी और सॉस देते हैं, तो ये मैंने मिक्स कर दिए, मैं मिक्स करके खाता हूँ। तो ये है बर्गर, अब हम खाएंगे इसको अच्छे से एकदम। टेस्ट अच्छा, बहुत बढ़िया। इसके अंदर नीचे इफ यू कैन सी मुझे ये क्यूकम्बर डाला हुआ है, खीरा, टमाटर डाला हुआ, वाइट कर लिया मैंने तो, और बहुत मेयोनीज से एकदम लोडेड फुल भर के देते हैं, मतलब वेजीज और टिक्की भी काफ़ी क्रिस्पी रहती है, और मेयोनीज तो पूरी भरी देते हैं एकदम। बर्गर तो मैंने एकदम चट कर खत्म कर दिया, एकदम बढ़िया। तो अभी जस्ट अभी कितनी हो रही है 9:06, और हम अपना डिज़र्ट खा रहे हैं जो कि है जलेबी। क्रिस्पी है काफ़ी, अभी मेरे को कम से कम 1 घंटा हो गया, अभी लाया हो तो उसको सॉगी नहीं हुई है अभी, ये चीज़ ऐसी अभी तक क्रिस्पी है। सो गाइस इसी के साथ आज का दिन ख़त्म होता है, रात हो गई अभी, और देखा आपने 9:06 हो गई थी अभी, तो मैंने डिज़र्ट विज़र्ट सब ख़त्म कर दिया। गाइस आज के व्लॉग के लिए इतना ही, अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें इस व्लॉग को आपको कैसा लगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ना। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।